यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव को साजिशन फंसाया गया है। उन्होंने रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की जीत का भरोसा जताया है। विधायक देवेंद्र यादव के घर मिलने हैं, भैया क्या मुलाकात हुई परिवार से? एक पारिवारिक संबंध है, एक इमोशनल मीटिंग थी। माँ थे, माँ से पता किया क्या हाल चाल है, बहुत इमोशनल है। उनका बेटा 2 महीने से ज़्यादा हो गया है और जेल में है। उसकी गलती इतनी है कि लोगों से प्यार करता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों की सेवा करता है, और इसी से परेशान बीजेपी ने एक झूठे आरोप लगा के उनको जेल में डाला हुआ है। और सबसे बड़ी नलायकी ये है कि 60 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी तक चलान पेश तक नहीं कर पाई है पुलिस। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इतना स्लो क्यों हो रहा है? सिर्फ क्योंकि वो जनता की सेवा करता है, वो लोगों के बीच रहता है, तो इसका डर है बीजेपी को कि कहीं उनकी बड़ा नेता ना बन जाए। युवा नेता तो वो है ही है, लेकिन तब भी शर्म आती है ऐसी राजनीति आज की डेट में जो चल रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना मैं अपने भाई देवेंद्र भाई को जानता हूँ, जितना बीजेपी उसको दबाने की कोशिश करेगी, झूठे आरोप लगाने की कोशिश करेगी, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही जोर से वो ऊपर आएगा और जोर से और मेहनत करके लोगों के बीच लोगों की सेवा करेगा, उनकी मदद करेगा। एक बात की भी थी कि कुछ कांग्रेसी थे नेता जो वरिष्ठ हो गए थे, उनके पेट में दर्द था कि देवेंद्र यादव को यहीं दबा दिया जाए, कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस के चाहे छत्तीसगढ़ की लीडरशिप हो, चाहे दिल्ली की लीडरशिप हो, देवेंद्र भाई का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, यूथ कांग्रेस के लिए भी, NSU के लिए भी, और देश के युवा नेता रहे हैं, वो हैं वो देश के युवा नेता, तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक उनके साथ है। पूरी टीम मेहनत कर रही है और हमारी उम्मीद है कि जो आकाश शर्मा इनके बीच से आए हैं जीत कर रहे हैं, और देवेंद्र यादव के लिए जो इन्होंने कहा कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा। मेरा इस सेक्टर 5 से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा।